आपका पेपर टू यानी क्षेत्रीय भाषा। देखिए क्षेत्रीय भाषा कहने के लिए 100 प्रश्न है यानी 300 अंक, ये बहुत मायने रखता है क्योंकि इसको हम लोग बैकबोन बोल सकते हैं। इसमें अगर क्षेत्रीय भाषा पर पकड़ है तो आप 70-90% यानी आप मान के चलिए कि 240 से 270 नंबर तक आप इससे ला सकते हैं आसानी से। तो ये आपका बहुत बड़ा रोल निभाएगा आपको सफलता दिलाने में। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें कौन कौन सा चीज पढ़ें, तो यहां चुनते समय आप अपना क्षेत्रीय भाषा चुने जिस पर आपकी पकड़ हो, ये नहीं कि देखा देखी न चुने। अगर आप खोंठा भाषी हैं तो खोंठा को ही चुने, आप नागपुरी हैं तो नागपुरी को चुने। थोड़ा सा हम कहेंगे कि इसमें आप बचिएगा जैसे खास करके बंगाली उड़िया, क्योंकि उसके सिलेबस थोड़े बड़े हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में आप कोई भी पढ़ सकते हैं। मुश्किल से बहुत ज्यादा नहीं 3-4 पतली किताबें हैं और इस पर ध्यान जरूर देना है। ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस पद रहेगा, गद रहेगा, किसी किसी में लोकगीत है, किसी किसी में आपको, तो जो आपको अच्छा लगे। ये नहीं देखिए कि सिलेबस छोटा है जिस पर